नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, तो फ्रेंड्स आपका ये 4 जनवरी से फिर से आपका रिज्यूम कर दिया गया है। और दोस्तों, आज की अगर हम बात करते हैं तो 4 जनवरी का पूरा एनालिसिस मेरे पास है और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जीके और जीएस के या फिर करंट अफेयर्स के, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो पोर्शन आपका दोस्तों एप्टीट्यूड और रीजनिंग का है, वो तो वही आपका फिक्स चल रहा है। आपके लगभग सभी टॉपिक्स से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, वो सब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो नए अभी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, या फिर कोई भी नया वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होता है, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज 4 जनवरी को कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जीके और जीएस के, जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो मुझे यहाँ पर कैंडिडेट्स द्वारा मिला हुआ है, उसी का मैं यहाँ पर वीडियो को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि ये सभी कैंडिडेट तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज है 4 जनवरी और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम ने देखा हुआ, काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पित्त रस कहाँ से निकलता है, फिर जिसको हम बाइल जूस दोस्तों बोलते हैं, वो कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है यकृत से, जिसका सिक्रेशन यहाँ पर लीवर से होता है। इसका आंसर होगा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो फ्रेंड्स ये 1928 में भारत में आया। और फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस तरह से है, RTI एक्ट जो है वो कब लागू किया गया, जो कि 2005 अक्टूबर में यहाँ पर लागू हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ पर है, तो वो है MP में, उसका लोकेशन है बताना था, तो दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप MP का है। फिर फीफा वर्ल्ड कप वेन्यू, यहाँ सब फीफा जो वर्ल्ड कप है 2022 का, वो कहाँ पे होगा, तो देखिए वो कतर में होगा, इसका आंसर सही हो जाएगा कतर। फिर देखिए सुकन्या समृद्धि योजना क्वेश्चन आया हुआ, जो कि 2015 में आपका आया हुआ था, योजना की शुरुआत हुई थी। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो है मलाला यूसुफजई। और फिर देखिए इंडोनेशिया का कैपिटल पूछ लिया था दोस्तों, सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उसका कैपिटल जरूर बात देख लीजिएगा, फिर वहाँ की करेंसी भी देख लीजिएगा, और देखिए इसका जो आंसर होगा वो जकार्ता हो जाएगा। फिर अटल सुरंग की लंबाई पूछा था, 9.02 किलोमीटर है। लॉफिंग गैस पूछा था, देखिए N2O दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा था दोस्तों, इसका आंसर जो होगा न्यू दिल्ली हो जाएगा, और जो DRDO का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112 रिलेटेड टू किस चीज़ से ये आपके संबंधित है, तो देखिए वो है आपका बजट से। फिर नीति आयोग की स्थापना कब हुई, देखिए ये है 2015 इसका आंसर। फिर देखिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए सरदार सरोवर बांध की स्थापना किस नदी पर हुई है, तो देखिए ये है नर्मदा नदी गुजरात में। और फिर देखिए गांधी सागर बांध है, इस बांध के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए बांध के जितने भी हैं उसको आप देख लीजिएगा। चंबल नदी MP में मध्य प्रदेश में है। और देखिए URL का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। कंप्यूटर के दोस्तों लगभग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे सभी शिफ्ट में, इसलिए कंप्यूटर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हॉकी में भारत को लास्ट ओलंपिक मेडल कब मिला था, इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 29 जुलाई 1980। और फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीक दिवस 11 मई को यहाँ पर देखिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय टेक्निकल डे यानी नेशनल टेक्निकल डे 11 मई को होता है। फिर देखिए pH वैल्यू ऑफ मिल्क पूछा है, 6.5 इसका सही आंसर है। भोपाल गैस त्रासदी का क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, तो 1984 में हुआ, कौन सी गैस यहाँ पर देखिए आइसोसाइनेट यहाँ पर आपका जो सीक्रेट हुआ था यहाँ पर रिलीज हो गया था, जिसकी वजह से ये त्रासदी हुई थी। भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1881। IPL 2020 वेन्यू क्या था, तो सब पता होगा कोरोना की वजह से यहाँ पर COVID-19 को फॉलो करते हुए UAE में यह आपका प्लान किया गया था। सेडल पीक देखिए, सेडल पीक कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। कंप्यूटर का ब्रांड किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सही है वो है CPU। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं GK GS के अलावा आपके दोस्तों काफ़ी और भी क्वेश्चन आए होंगे जो आपके एग्जाम में आपने देखा होगा, तो फिलहाल मुझे वो तो अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन दोस्तों अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, एग्जाम देने के बाद प्लीज़ जो भी आपके क्वेश्चन दिमाग में रहे उस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मुझे आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है टेक में गुरुजी, उसका दोस्तों ग्रुप भी है, उस ग्रुप पे जाकर दोस्तों वहाँ पर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा दो भी कैंडिडेट यहाँ पर IRB इलाहाबाद से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, IRB इलाहाबाद आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आप IRB इलाहाबाद से ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ भी कैंडिडेट से आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर से दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करते हैं यानी एप्टीट्यूड की, और रीजनिंग की अगर बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो आपका सिमिलर चल रहा है, जो आपका
चल रहा है प्रोसेस, आपके आपके लगभग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के अलावा परसेंटेज के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, और फिर आपके दोस्तों सभी टॉपिक्स लेवल क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों या फिर दोस्तों यहाँ पर माय एप्टीट्यूड के हों, उसका जो प्रिपरेशन है, जो आपका प्लानिंग है वही है। लगभग आपके दोस्तों मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कुछ, तो नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन हैं, तो ये सब आप तैयारी करते रहिएगा। और जीके जीएस से हमेशा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए अपडेट के साथ नए तरीके से, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।